अच्छा बच्चों, अब ना मैं नेक्स्ट आप लोग को करवाने लगी हूँ कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री की ना मार्किंग्स। ये हम लोग करेंगे अपनी सत्या से, ठीक है। जो ट्रैक्टर आप लोगों ने स्टार्ट करना है ना, आप लोगों ने पहले करनी है इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अब आप इसकी डेफिनेशन चाहो तो ये वाली कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इसकी ये वाली डेफिनेशन कर लेना। ये डेफिनेशन करने के बाद आपने जस्ट एक दफा पढ़ना है कि ग्लाइकोम क्या होता है, ग्लाइकोमिक्स क्या होता है, ये पढ़ने के बाद, और ग्लाइकोबायोलॉजी की स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बस। उसके बाद आप लोग आ जाओ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें ना ये पांच फंक्शंस दिए हैं, ये आप लोग 4 SEQ तैयार करोगे, ठीक है। करने के बाद यहाँ से एक MCQ आता है कि कार्बोहाइड्रेट एक बंदे की जो पर डे रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, 4 कैलोरी पर ग्राम होती है। ये बात MCQ है। बता रही थी कि जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो आप लोग इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया करो कि क्लासिफिकेशन लिख के उसको इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दिया कि मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, ठीक है। आप लोगों ने क्या करते हो कि थ्योरी थ्योरी लिखते हो, थ्योरी ना लिखा करो, इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के लिखा करो। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी सारी, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन करनी है। ये करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप लोग जिसका टेबल है, टेबल 2.1, ये अच्छे तरीके से करोगे। यहाँ से बहुत सारे MCQs आते हैं। उसके बाद आप लोगों ने मोनोसेकेराइड्स करने हैं, और ये पता हो कि मोनोसेकेराइड्स को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, ठीक है। एल्डोज और कीटोज ग्रुप, ये वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बातें हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ना सारा पढ़ लेना। जब आप ये पढ़ लोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने मोनोसेकेराइड में पढ़ना क्या क्या। फिर आपने ओलिगोसेकेराइड सारा करना है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने जस्ट एक दफा पढ़ लेना है। उसके बाद अभी जो ओलिगोसेकेराइड में लाइन है, हमारे पास MCQs है, और आपने पॉलीसेकेराइड्स की 5 प्रॉपर्टीज तैयार कर लेनी है। अब मोनोसेकेराइड का हमारे पास स्ट्रक्चर शुरू होता है, तो मोनोसेकेराइड में पहले आपने स्टीरियोआइसोमेरिज्म की डेफिनेशन करनी है, और ये कि जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं और कितने आइसोमर्स होते हैं, ये बात MCQ है। उसके बाद आप लोगों ने ग्लिसरल्डिहाइड करना, ग्लिसरल्डिहाइड में ये बात याद करनी है कि इसको हम लोग रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और इसमें कितने आइसोमेरिज्म होते हैं, स्टीरियोआइसोमेरिज्म कितने एसिमेट्रिक कार्बन, ये MCQ है। नेक्स्ट फिर हमारे पास जो टेबल आ जाता है, ठीक है, इस टेबल, ये वाला टेबल है हमारे पास, टेबल 2.2, ये हमारे पास MCQs है। और एक बार आप लोगों ने ये करना है कि जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म होती है उसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एनेंटियोमर्स, एपीमर्स और एनोमर्स। ये एक दफा SEQ में आई हुई है बात। फिर आप लोग जब नेक्स्ट आ जाओगे, आपने DNL आइसोमर एक दफा रीड करना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ पे ना ऑप्टिकल, ये जब इसको रीड कर लोगे ना, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक बात होती है कि डेक्स्टर रोटेटरी क्या होता है और लीवर रोटेटरी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग यहाँ से ये तैयार कर लेना। उसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट पेज में ना ये बात देता है कि एपीमर्स और एनेंटियोमर्स, इन दोनों का ना डिफरेंस आता है, तो आप लोगों ने इसके डिफरेंस में 4 से 5 पॉइंट तैयार कर लेना, या तो यहीं से निकाल लेना, या आप गूगल से भी देख सकते हो इसको। उसके बाद ना हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ, ये नहीं करना। फिर नेक्स्ट पेज में हमारे पास आता है पायरानोज और फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, ये भी नहीं करना, इसको क्रॉस लगा लेना। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एनोमर्स, यानी म्यूटा रोटेशन। अब जो म्यूटा रोटेशन आता है हमारे पास SEQ में, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, और आप लोग म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन करनी होती है, ये आप लोगों ने SEQ के लिए तैयार करना है। और ये डेफिनेशन करने के बाद आपने इसका फॉर्मूला कर लेना है। अच्छा, अभी जो डिग्रीज दी हुई है ना, ये बात MCQs में वो पूछते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर ना मैंने एक स्कीम लिखी हुई थी कि जब कार्बोहाइड्रेट की रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और जब कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। ये वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बात है। दिस विल हेल्प यू इन योर MCQs। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड्स में, ठीक है। ये बस आप लोग ना रीड कर लेना, ये आते नहीं है यहाँ से कुछ भी। और ना इन स्ट्रक्चर से के बाद ना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इन्होंने डी डेक्स्टर रोटेटरी और लीवर रोटेटरी क्यों लिखा हुआ, ठीक है। वो चाहता था कि ऑप्टिकल राइट ना, अगर लाइट लेफ्ट साइड पे चले जाए तो वो लीवर रोटेटरी होता है, और अगर राइट साइड पे चले जाए वो डेक्स्टर रोटेटरी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वही दिया था, ये इन्होंने गलत दिया हुआ था बुक में, तो ये कर लेना ठीक अपना। बस इन स्ट्रक्चर्स ना आपको देखने आना चाहिए, बनाने इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दी हैं, ठीक है, इनको पढ़ लेना। अब आप लोगों ने ना पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ शुगर के टेस्ट होते हैं, लाइक बेनेडिक्ट टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट। ये टेस्ट हम लोग FSC में पढ़ते होते, तो आप लोगों को बस टेस्ट के नेम्स आने चाहिए। फिर नेक्स्ट आज जो आप लोग रिडक्शन पे, तो अच्छा अपना यहाँ से ये MCQ आता है कि क्लिनिकल यूज के हम लोग सॉर्बिटोल, डल्सिटोल को ना किस लिए यूज करते हैं, तो आप लोग ना ये वाला टेबल जस्ट फॉर MCQs ना तैयार कर लेना। उसके बाद मेरे पास है पेज नंबर 17। अब पेज नंबर 17 पे क्या है कि आप लोगों ने ये बॉक्स तो करना ही करना है। इस बॉक्स को करने के बाद इस पे यहाँ पे 2 टेस्ट देता है, एक बाइल्स टेस्ट, एम्यूक एसिड टेस्ट। ना आप लोगों ने दोनों टेस्ट तैयार करने हैं। ये MCQs में पूछ सकते हैं, SEQs में ज्यादा इसका MCQ आता है कि ट्रैक्शन ऑफ में आप लोग कौन सा टेस्ट यूज करोगे गैलेक्टोज के लिए। ओजोन फॉर्मेशन हमारे पास SEQ में आती है, आप लोगों ने इसका SEQ के लिए तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने ये 2 बातें लिखी, मैं इसको आप भी नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट आप लोग आ जाओगे इन्फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, इसको बस रीड करना। अच्छा, अभी ग्लाइकोसाइड्स ना ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका पहला पैराग्राफ करने के बाद ना ये फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स करना सारी। अभी आते हैं सारे के सारे MCQs, ठीक है। कभी कभी वो वेनिला पूछ लेते हैं कि वेनिला फ्लेवर किसका होता है, तो आपने बताना होता है कि वो किसका होता है। या वो ये पूछते हैं, ज्यादातर ये वाला आता है कि जो है ना डाइजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन जो है हम लोग स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज करते हैं, वो पूछते हैं कौन सा स्टीरॉयड है जो हम लोग ना मसल कॉन्ट्रेक्शन की स्टिमुलेशन के लिए यूज करते हैं। आप लोग जाकर ना इन डिटेल फार्मा में पढ़ोगे, लेकिन अभी उसके पेपर पास करना है ना हमने इसका, तो उसके लिए भी आप लोग बस गुजारे लाइक ये पढ़ लेना। डेरिवेटिव्स और मोनोसेकेराइड हम लोगों ने नहीं करने, ठीक है। उसके बाद आज अपने डाइसेकेराइड्स के ऊपर, डाइसेकेराइड बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या टाइप्स होती है, एक्चुअली यही होती है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। इनका दोनों का आप लोगों को डिफरेंस आना चाहिए। ये माल्टोज, सुक्रोज और ये जो सारी बातें हैं ना, ये आप लोग एक दफा पढ़ लेना, यहाँ से MCQs आते हैं। अब क्या SEQ आया हुआ है, SEQ आया हुआ पेपर में, मेरे भी प्रॉफ में आया था कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था सुक्रोज का एंड लैक्टोज का, जो कि मुझे नहीं आता था, लेकिन आप लोग ये करके जाओगे क्योंकि हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ना बस ये तीनों, एक माल्टोज का, एक सुक्रोज का और एक लैक्टोज का, ये स्ट्रक्चर जो है ना SEQ के लिए तैयार करके जाना है।
उसके बाद आप लोगों ने ना ये बात याद करनी है एमसीक्यू उसके लिए सुक्रालोज की, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, और अब ये कि आपको पता है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर जो वो बैन कर रहे हैं क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं लाइक ये कोक वगैरह, तो ये आपको पता हो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर असल में होती क्या चीज़ है। फिर लैक्टोज का हम सबको पता है, अच्छा लैक्टोज का हम सबको पता है कि इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं, तो ये भी बस इतना रीड कर लेना। अच्छा, और लैक्टियोलेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होता है कि हम लोग इसको हिपेटिक इंसेफेलोपैथी में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये मैंने एक जगह एमसीक्यूज देखा था, तो लैक्टियोलेस भी आप लोग रीड करना। अच्छा, पॉलीसेकेराइड का क्वेश्चन कैसे आता है, वो पॉलीसेकेराइड या तो डायरेक्ट दे देते हैं या ना वो ग्लाइकेन्स के नेम्स देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन करनी है आपने, और आपको ये एमसीक्यू आता है कि ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट फिर आप लोग इसको क्लासिफिकेशन पढ़ोगे कि होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है ना वो जस्ट हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड नहीं इंक्लूड, लेकिन ना उन्होंने जस्ट एक दिया हुआ है कि पॉलीसेकेराइड सारा करना है, तो हम हेट्रो भी कर लेंगे जस्ट फॉर एमसीक्यूज ना, जो बातें आती हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ना जब हम लोगों ने होमो स्टार्ट करना है, तो पहले पहले आप लोगों ने स्टार्च करनी है, तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स वो प्लांट होती है वो स्टार्च, यही बात एमसीक्यूज है पहली पहली। उसके बाद यहाँ से अच्छा ये ग्लाइकोजन और ग्लूकेन करना है, ये क्या बातें होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस करना है, और ये डिफरेंस मैंने लिखा है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक पे लिख लेना और कोई से 4-5 पॉइंट याद कर लेना। फिर नेक्स्ट एक बात है कि ये स्टार्च है हाइड्रोलाइज बाय अमाइलेज, ये बात एमसीक्यूज है। उसके बाद आप लोगों ने ये टेबल फॉर एमसीक्यूज के लिए करना ही करने के बाद, अच्छा बच्चों, अब आप लोगों ने डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन डेक्सट्रिन एंड डेक्सट्रॉन, ठीक है, मैं कहूँगी आप लोग ना बुक से करो, आपने गूगल पे नहीं जाना, बुक अपना पढ़ो और खुद आपने इन दोनों में से डिफरेंस निकालना, और एमसीक्यूज है। इनोलिन का एमसीक्यूज आता है कि हम लोग इसको यूज करने फॉर जीएफआर आपने रिनल में पढ़ा होगा, ठीक है, कि जीएफआर किसे कहते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसकी मेजरमेंट किसे करते हैं, इनोलिन से करते हैं, तो एक फिजियो का एमसीक्यूज कवर हो गया, इसका भी हो गया। फिर ग्लाइकोजन भी आप लोगों ने पढ़ना है कि प्लांट्स की रिजर्व करेंगे तो स्टार्च थी, और अगर एनिमल की रिजर्व है तो ग्लाइकोजन है, ये बात बतानी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बस इसका वेट वगैरह बताया, इसको पढ़ लेना, और सेलुलोज भी एक दफा पढ़ लेना कि प्रीडोमिनेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सेलवाल का टोटली एब्सेंट इन एनिमल, और ये कि इसको अगर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास सेलोबायोस और बीडी ग्लूकोज निकलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद अब आप लोग आ जाओ इस पर, ये अमाइलोपेक्टिन का और ग्लाइकोजन का मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है, आप लोग भी ये नोट कर लेना, और ये जो काइटिन है ना आपको पता है ये बैक्टीरियल सर्वाइवल में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको भी दफा रीड कर लेना। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने सारा करना है। अब इसमें से एक ही टेबल आता है मैं आपको बताती हूँ, गैग्स वाला ना, अब कभी कभी क्वेश्चन आता है गैग्स के नेम से, कभी कभी आता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, तो आपको पता होगा ये दोनों एक ही चीज़ के नेम है। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होती हैं और म्यूकोप्रोटीन्स में क्या होते हैं, ये सब बातें एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंस फॉर एसीक्यू में करना है आप लोगों ने। फिर हायलुरोनिक एसिड, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्लिनिकली भी, तो इसको ये आप लोगों ने ना अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसका फंक्शन आप लोगों ने बेसिकली ना करना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसी है और इसका फंक्शन कैसा है। अच्छा, बाकी सब रीड कर लेना, मैं बता रही थी कि आप लोगों ना ये वाला टेबल अच्छे तरीके से कर लेना, इस टेबल में से भी क्या टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन कर लेना, और ये कंपोजिशन करने की जरूरत नहीं, मेरे प्रॉफ में ये आया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि गैग्स को एनालाइज करो और उनके फंक्शन लिखो, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से ये सवाल आया हुआ था, तो आप लोग भी कर लेना। एगोरोपेक्टिन हम लोगों ने नहीं करना, ना ही ग्लाइकोप्रोटीन करना है, बस यहाँ तक केराटिन सल्फेट तक हमने चैप्टर करना है, इसके बाद नहीं करना। बस किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा एक बात मुझे और मिली कि एसिड शुगर कौन कौन सी होती है और अमाइनो शुगर कौन कौन सी है, ये वाली बातें हमारी फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट, तो ये लोग आप भी अपनी बुक पे नोट कर लेना। ऐसे किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों को ना चैप्टर वाइज इसकी बायोकेमिस्ट्री मार्किंग कराती रहूँगी, लेकिन पहले जनरल खत्म कराऊंगी उसके बाद स्पेशल पर जाऊंगी। अपना ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।